नमस्कार, ओम शांति। पाथ ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है, मतलब मेरे जीवन की कहानी की सफलता में आपका स्वागत है। मित्र, आज हम पधारे हैं जोगिंदर नगर में, और वहां पर भी एक छोटा सा गांव है जिसको कहते हैं गोलवा। वहां के हमारे MLA हैं प्रकाश सिंह राणा जी, और उनसे उनके जीवन की सफलता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जहां तक मैंने उनके बारे में एक स्लोगन देखा है, पढ़ा है, युवाओं ने उनके बारे में एक स्लोगन लिखा है, नेता नहीं हूं मैं, नेता नहीं हूं मैं, समाज सेवक हूं, राजनीति नहीं विकास नीति चाहता हूं मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत कईयों में कई ऐसे युवा होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो समाज सेवा करते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग आगे आने के लिए बढ़ते हैं। कौन किसके बारे में सोचता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं। उनके बारे में थोड़ी सी विशेष बात यह है कि वो समाज सेवक हैं, और उन्होंने कई ऐसे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्होंने आगे उनको मदद करने के लिए आगे तत्पर रहे हैं, उनका साथ देते रहे हैं। अभी भी उनकी यही सफलताएं हैं कि वो उनको साथ रख रहे हैं, और वो कई विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। जैसे कि पहले भी हमने उनके बारे में जानने की कोशिश की थी कि वो सऊदी अरब, हांगकॉन्ग ऐसी विदेश यात्राएं की हैं। और मुझे आज हम उनसे ये बात, कुछ मेरे ऐसे प्रश्न हैं, कुछ ऐसे लोगों के प्रश्न हैं, मेरे खासकर दो प्रश्न ऐसे ही हैं जो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उनके हल देंगे, और हल देने के बाद उनको पूरा भी करेंगे और हमें कभी निराश नहीं करेंगे। आइए स्वागत करते हैं प्रकाश सिंह राणा जी का हमारे पाथ ऑफ सक्सेस में। राणा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे, कोशिश मेरी ये है कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में माउंट आबू हेडक्वार्टर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जा चुके हैं, तो वहां से आने के बाद आपके अंदर या उससे पहले क्या और ज्यादा बदलाव आया? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार पहले हमारा इंटरव्यू हुआ था, आज फिर आप यहाँ पर पहुंचे, काफी दूर से आप यहाँ आए हैं। आपका और आपकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा लगता है कि एक दूसरे के विचार लोगों तक पहुंचे, तो उससे एक लोगों में भी जागृति आती है, लोग भी सोचते हैं। जैसे आपने अपनी संस्था के बारे में जब हमसे पूछा जी। मैंने इसके बारे में ऐसा नहीं कि ये संस्था काफी पुरानी है जी। और काफी लोग इससे जुड़े हैं जी। और मैंने तो ये देखा कि जो अपने जीवन में जो लोग भटक चुके हैं कि जीवन क्या है, इसको कैसे जीना है जी। उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो जाए, माउंट आबू जाए, वहां ज्यादा नहीं तो 3 दिन वहां काट के आए जी। तो पता लगता है कि मनुष्य का जीवन क्या है और हमने इसको कैसे जीना है जी। और मैं तो इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो कई लोग जो भटक चुके थे अपने जीवन से, वो आज अपने रास्ते पर आए हैं, और उनके घर में भी एक अलग सी सुख शांति है। मैंने कई लोगों को देखा जी। हमारे क्षेत्र के भी काफी लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं जी, जी। हमें खुशी होती है जी। इस तरह का कार्य अगर काफी संस्थाएं वैसे है, लेकिन ये जो आपकी जो संस्था है ये अलग ही तरह की है, इसमें बहुत कुछ। और मैं तो देखकर वहां हैरान था, जब मैं माउंट आबू में गया तो ऐसे लगता है कि एक अलग सी उसमें जो एक आपको माइंड पीसफुल जो मिलता है कि वो कहीं भी नहीं है जी, जी। और मुझे मौका मिला तो मैं फिर वहां जाऊंगा। लोगों को मैं यही देना चाहता हूँ कि इस संस्था से जुड़े तो उनको पता लग जाएगा कि इसमें क्या कुछ है जी, जी। आगे का प्रश्न मेरा ये है कि जैसे 2017 में 13वीं विधानसभा के लिए आप चुने गए थे, और उसके आप बहुत अच्छे सदस्य भी बने, और उसमें आपने बहुत अच्छी तरह से जीत भी हासिल की, जबकि आप एक निर्दलीय दल थे। उसमें आपने जीत प्राप्त करने के लिए, मेरा मेन प्रश्न ये है कि आपने दूसरे दल के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े, तो क्या आप अपना एक दल बढ़ा के आगे नहीं बढ़ सकते थे? क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो एकता सबको लेके चलने की है, दूसरा दल ही क्यों चुना आपने? दूसरा दल ऐसा है कि जब भी एक राजनीति फील्ड है जी,
राजनीति में जो जो सरकार बन गई, सरकार चुन के आ गई, हम तो सरकार से मिलके ही चलेंगे। अगर सरकार से आप मिलके नहीं चलोगे तो आप विकास कैसा करोगे। और मैं अपने आप को खुद जो एक खुश नसीब समझ रहा हूँ, जैसे सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर जी बने, मैं जयराम ठाकुर को जब मैंने बड़ी गहराई से देखा, आदरणीय जयराम ठाकुर जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मंडी के, मंडी जिले के, कि मैं उनसे पहली बार मिला जब मैंने उनको देखा, पहले मैं ऐसा आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मेरी कोई इतना मिलनसार नहीं था उनसे जी। ये कैसे नेता है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरे हिमाचल का जो एक एक बदले की भावना से उन्होंने काम नहीं किया जी। वो चाहते हैं कि मैंने हिमाचल को उठाना है, जहां तक पर उनके विधायक जीत के आए हैं वहां तो उन्होंने काम किया ही किया, लेकिन जो बाकी जहां और अदर पार्टी के विधायक है वहां पर भी उन्होंने बहुत काम किया है। कोई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी हिमाचल में नहीं है, क्षेत्र नहीं है जहां 100 करोड़ का काम ना हुआ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत बड़ा काम किया और एक ईमानदारी से, पहले क्या होता था मुख्यमंत्री चुन के आते थे जी। पहले पिछली सरकार का देखते थे भी क्या क्या फड्डा, उसके ऊपर केस करो ये करो, इन्होंने अपना काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। और जब मैंने उनकी भी विचारधारा देखी तो हम भी उनसे मिले और हमने भी जो कुछ बोला उन्होंने किया, इस क्षेत्र को कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मैं जैसे मैंने कहा मैं अपने आप को एक खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मुझे ऐसे मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला, सरकार के साथ काम। वो एक दल चुना आपने चुना। जी अगला मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आजकल हाल ही में एक आपकी बहुत बड़ी चीज सुनने में आ रही है कि आप युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश में एक इतिहास में पहला एक स्तर है कि आप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं, तो यूथ जैसे हम एज जो हैं उनके लिए आजकल इम्पोर्टेंट है एजुकेशन जॉब, कि हमारा परिवार कैसे चले, हम पढ़े कैसे, कैसे अपने परिवार को आगे, लाइक पैसे से जॉब से पैसा आएगा, तो आपने ये क्रिकेट टूर्नामेंट ही उनको, ये एक बात समझ में आती है कि शायद हो सकता है कि नशे से दूर रहे, वो सब चीजें आपकी देखने में आई है, लेकिन क्रिकेट टूर्नामेंट ही क्यों ऐसा? वेल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। मेरे पास काफी युवा आ रहे थे, ऐसा नहीं कि हमने जी। जब मैं 17 में जब यहाँ पर आया, चुनाव लड़ने से पहले भी यहाँ ट्रॉफी हुई थी, लेकिन 1 लाख की ट्रॉफी थी। अच्छा। ऐसा नहीं, फर्स्ट प्राइज था 1 लाख, सेकंड था 50,000, लेकिन वो हमारे सिर्फ हमारे जूनियर क्षेत्र के लोग थे। अभी ये पूरे हिमाचल की ट्रॉफी है और हिमाचल में इतनी बड़ी ट्रॉफी आज तक हुई नहीं है, 5 लाख का नहीं हुई है। फर्स्ट प्राइज 5 लाख है, सेकेंड प्राइज जो है वो 2.5 लाख है। लोग भी चाहते थे कि हिमाचल का भी नाम हो। आप कहते हैं कि चलो जॉब भी जरूरी है, लेकिन खेल को जब आप फिजिकली फिट रहोगे तब तो जॉब करोगे। आजकल आपको पता होना चाहिए कि युवा जो है उनकी नशे की ओर जा रहे हैं। जब आपका बच्चा ही नशे की ओर चला गया तो उसके पास बचा क्या है? देखो एजुकेशन जरूरी है, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं पहले तो ये देखता हूं कि अगर नशे से आपका बच्चा बच गया जी। नशे की आदत से बचा, चाहे वो पढ़ने को अच्छा नहीं है, चाहे खेलने को भी अच्छा नहीं है, अगर नशे से बच गया तो अपने जीवन में बड़ा कुछ करेगा वो। अगर वो पढ़ने को भी अच्छा है, लायक भी है, खेल में भी अच्छा है, नशे की चपेट में आ गया तो उसके फ्यूचर का कल को कोई पता नहीं है, कि एक दिन का भी उसका भविष्य का पता नहीं, कि उसका भविष्य कब डगमगा जाए, उसका फ्यूचर कोई पता नहीं, उसकी गारंटी है कोई? मैंने कई घर ऐसे बर्बाद होते देखे हैं। यहाँ पर सबसे खतरनाक है नशा। मैक्सिमम घरों की सुख शांति खत्म हो चुकी है, एक सुख शांति नहीं है, जो एक घर जो फल फूलने वाला था उधर रोक लग गई है। नशा जो है, नशा कई पीढ़ियों को तबाह कर देता है, घर को तबाह करता है। नशा, एक नशे वाला आदमी एक परिवार में आ जाए तो पूरा परिवार उससे सफर होता है, परिवार तो छोड़ो गांव सफर होता है। ये है, तो हम चाहते हैं कि खेल कूद भी जरूरी है ताकि बच्चों का माइंड वहां ना भटके, और हम चाहते थे कि हम भी ट्रॉफी करें, हिमाचल का भी एक नाम हो कि इतने, जब 5 लाख की ट्रॉफी हो रही, काफी बच्चे जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये मेरा एक अच्छी सोच थी। एजुकेशन की तरफ उनको कैसे लेके जाएंगे? एजुकेशन की सरकार ने आजकल एजुकेशन में वैसे कोई कमी छोड़ी नहीं है, कुछ है जो छोटी मोटी हमें कमी है उसको हम पूरी कर रहे हैं एजुकेशन को। और मैं हिमाचल की बात करूं
तो हिमाचल केरला के बाद मेरे लगता है तो फर्स्ट नंबर पे ही है एजुकेशन में हिमाचल। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हिमाचल का आप देखिए, हिमाचल बहुत आगे निकल चुका है, पहले वाला ये नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी सरकारों का कि एजुकेशन के लिए काफी फंड है, काफी कुछ कर रहा है हिमाचल एजुकेशन। हाल ही में आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में अपने महिला मंडल की महिलाओं को 300 से अधिक सम्मानित महिला मंडलों को आपने सम्मानित किया हुआ है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये मेरा उठता है कि जैसे हाउसवाइफ है वो अपना गुजारा कर लेंगे जॉब करके या अपने बच्चों को पाल के कैसे भी खेती बाड़ी करके, लेकिन जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए आपने आगे क्या सोचा हुआ है? देखो वैसे सरकार हर संभव जो है सहायता कर रही है जी। मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत फैसिलिटी दी जी। और मुझे भी लगता था पहले, जैसे मैं नए नए आया, मुझे दो जो 17 में जब मैं चुनाव लड़ने लगा तो मैंने तकरीबन काफी घरों में जाना शुरू किया, गांव गांव में गया जी, जी। दो चीजें मुझे मैंने देखने को मिली, एक तो जो हैंडीकैप्ड लोग थे वो बेचारे गरीब लोग हैं, अब किसी का बाप है, किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी का भाई है, वो पड़े थे। मैंने देखा जब मैं उनके घरों पे देखा तो बाहर ऐसे पड़े रहते थे, ना हिल सकते हैं, कोई बेड में पड़ा, कोई नीचे पड़ा है, कोई गंद में पड़ा है, वॉशरूम उठा, क्योंकि बेचारे हमारे बिजी लोग हैं अपने काम पे जाएंगे, उनको वॉशरूम उठा के लेके जाने वाला कोई नहीं था। तो मेरे दिमाग में वही टाइम बात आई जैसे मैं विधायक बना, और मैंने वादा किया था विधायक बनने से पहले मैंने कोशिश की कई जगह। मैंने आज मुझे खुशी इस चीज की है, गर्व होता है हमें कि हमने जितने भी मेरी कंस्टिट्यूएंसी में पूरे क्षेत्र में जितने भी सैकड़ों लोग थे, हमने एक एक घर को जो है व्हील चेयर दी, और ऐसी व्हील चेयर दी उसमें कमोड वगैरह लगा हुआ है, उनको वॉशरूम ले जाने की जरूरत नहीं है। तो आज हमें भी खुशी होती है कि मैंने गरीबों का इतना बड़ा काम किया। सेकंड थिंग जो आपने पूछी कि महिलाओं के लिए मैंने काफी मान सम्मान यहाँ पर दिया, सबको मैंने मान सम्मान दिया है, पूरे महिला मंडलों को जो मेरे से हो सका मैंने फंड डाला है, सबको सम्मानित किया, एक बड़ा अच्छा मैसेज गया महिला पूरी महिलाओं का जी। और जो अब आपकी बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और मैं भी इसके बारे में कहना चाहता हूँ, ये मेरे एक क्षेत्र में नहीं है, सभी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी एक समस्या है। समस्या है कि एक तो नशे की, जैसे मैंने बात की, नशा फैला है और काफी घरों की शांति खत्म हो गई है, कई सुहाग उजड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं, विडो हो गई है, विधवा हो गई है। अब वो बहनों की जब मैं उनकी उम्र देखता हूँ तो उनकी उम्र किसी की 35 साल, 40 साल, 45 साल, 30 साल जी। तो उनके जो बच्चे पीछे, दो दो बच्चे छूट गए। अब सरकार तो पेंशन लगाती है, सरकार से कमी नहीं छोड़ी, लेकिन पेंशन लगते लगते जो पेपर वर्क है फिर भी कभी साल भी लग जाता, डेढ़ भी लग जाता, 6 महीने भी लग जाते, तो अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर कभी उनके पेरेंट्स पीछे सही है तो बेचारे हेल्प करते हैं, नहीं तो उनको डिपो जाने के लिए पैसा नहीं है, डिपो का कैसे, वो डिपेंड है सिर्फ मनरेगा पर, या तो सरकार की पेंशन लगी, सरकार की पेंशन लगते लगते टाइम लगता है। मैंने इसके बारे में सोचा, मैं अपने गांव की बात करूं तो यहां 32% विडो है यहां पर, मुझे दुख होता है, मेरे गांव की बात कर रहा हूं, और नशे का काफी इफेक्ट रहा है इसमें, नशे से कई उन्हें जो कोई 45 साल में चला गया, कोई 40 में चला गया, कोई 50 में पहले ही चले गए, हमें भी दुख होता है, लेकिन क्या करें, लंग्स ही खराब हो गए अंदर जो नशा कर करके, उनका इलाज भी नहीं हो पाए। तो फिर मैंने उसके लिए बड़ा विचार किया, और मुझे आज खुशी है, अब मैंने एक जो एक नई शुरुआत की, और इसको भी कोई अभी नहीं की, 1.5-2 साल हो गया, हम जितनी भी ऐसी हमारी बहनें विडो हो जा रही है जो गरीब है, उन हम सबको हम अपने पास से पेंशन दे रहे हैं, अपने ट्रस्ट से पेंशन दे रहे हैं, और जब सरकार की पेंशन लगती है तो हम अट जाते हैं, और ये शुरुआत अब कम से कम उनको जो सरकार की एक पेंशन जो हम दे रहे हैं, जो अपनी पास से दे रहे हैं, अब उनको वो, मैंने कहा कि पेंशन है मनरेगा तो अब पूरा साल तो लगती नहीं है, बड़ी मुश्किल से 90 डेज 100 डेज होते हैं उनके, वो भी बड़े कम नहीं भी होते हैं, तो अब कम से कम उनको हर महीना, और ऐसा सिस्टम नहीं हमारे पास, एक बार पेपर जमा हो गए हम उनको हर महीने जो उनके अकाउंट में ट्रांसफर पैसा कर दे रहे हैं, ये शुरुआत की है। और मुझे लगता कि पूरे हिमाचल में जो है सिर्फ जोनर एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जो सैकड़ों बीडो को पेंशन जा रही है हर महीने, और हिमाचल तो छोड़ो, मुझे नहीं लगता कोई स्टेट में ऐसा है, मुझे नहीं लगता है, हमने एक शुरुआत की है। और मेरा ये है कि जहां मुझे लगता है कि मैं
मेरे सैलरी भत्ते सारे ट्रस्ट को जाते हैं, गरीबों के जाते हैं, कई बेटियों की शादियों के लिए पैसा दे रहे हैं, कईयों को पढ़ने को पैसा दे रहे हैं, कहीं कूलर लगा रहे हैं, कहीं जो है बेटों को पेंशन दे रहे हैं, कहीं व्हीलचेयर, जैसा कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, जैसे कल आग लग गई, 3 घर जल गए खद्दर पंचायत में हमारे, सरकार ने भी देती है फौरन राहत, लेकिन थोड़ी बहुत। तो जैसे हमने उनके परिवारों को जो है, कल भी एक परिवार ऊपर थे, 3 न 5 थे ऊपर, तो पसल में जी। तो पसल में जैसे वो अग्निकांड हुआ तो हमने देखा उनका ज्यादा नुकसान था, उनको हमने अपनी तरफ से जो है उस टाइम भी मेरे को लगता कि हमने 15,000 उधर दिया ऊपर, इनका कोई इतना नुकसान नहीं था, एक एक कमरा था नीचे इनको रहने के, तो कल हमने खद्दर में भी उनको 5,000 अपने पास से दिए, तो ऐसे काफी ये है। दूसरा, कोरोना काल में भी हमने काफी हेल्प लोगों की, जो नर्ग कैसा मैंने देखा, यहाँ पर हमारे पास कोविड सेंटर भी नहीं था, और ऐसा हुआ कि कोविड सेंटर मैंने देखा, जब कोविड के टाइम जब यहाँ पर बीमारी फैली तो मुझे हमारा SMO है वहां पर ऊपर जो जुगनर में जी, डॉक्टर कोंडल, उनका फोन आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर बचा सकते तो उनकी जान बचा। हम बोला हम क्या करें, हमारे पास जुगनर में एक एम्बुलेंस और यहाँ लाइन लग गई, कोविड सेंटर हमारे पास है नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब इधर से जब पेशेंट को उठाते हैं सीरियस जो है उसको ले जाते हैं अपना मंडी नेर चौक में, वहां भी जो है मुझे लग रहा वेटिंग चली हुई थी, एक एम्बुलेंस जाती वापस आती नहीं, तो हमने यहाँ 4-4 एम्बुलेंस अपने पास ही, एक तो खरीद के दी बाकी रेंट की दे के 4-4 चलाई, तो कोविड में हमने इस तरह का काम किया। ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर नहीं थे, हरियाणा से हमने उधर भी हमें 19-20 मिले सिलेंडर, लाके इधर लाए, हॉस्पिटल को लाए, कंस्ट्रेटर दिए, कई कुछ दिया, यानी जितना हमसे हो सकता बहुत बड़ी हेल्प की हमने, लेकिन हम ये सब बोलना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए जब हम जनता की सेवा के लिए, आज हमारा क्षेत्र इसीलिए हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारी सारी पंचायतें हो, सबसे पहले तो मैंने किसी के साथ भेदभाव की राजनीति की ही नहीं है, सबको बराबर का धन बांटा है। जितने भी महिला मंडल, आपने 300 बोले, 300 नहीं, हमारे पास 543 महिला मंडल इस क्षेत्र में है, सबको बराबर का धन डाला। हमने ये नहीं देखा, पहले क्या होता था यहाँ पर विधायक चुन के आता तो देखता कौन सी पंचायत में मुझे लीड मिली, उसका काम करो, जहां लीड नहीं मिली वहां कुछ नहीं करता था। लेकिन हमने कोई भी प्रधान से पूछ लो, कोई महिला मंडल से पूछ, हमने सबका एक बराबर विकास, एक बराबर। और मुझे पता है अगर हम एक भी पंचायत को ऊंच नीच करेंगे तो क्षेत्र ऊपर नहीं उठेगा, क्षेत्र तो जब उठेगा जब सब पंचायतें ऊपर आएगी। मैं हर वार्ड में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं सही में तन मन धन से इस क्षेत्र की सेवा करने आ रहा हूँ, और मैं ये मेरे बुजुर्गों का एक आशीर्वाद था और मेरे लिए एक हुक्म भी था कि मैं इस क्षेत्र की सेवा करूँ, और मुझे आज खुशी इस चीज की है कि मैं दिल के साथ जो है और तन मन धन से मैं सेवा कर रहा हूँ। प्रकाश राणा पूरे हिमाचल में एक ऐसा विधायक है जिसने अपनी सैलरी भत्ते भी ट्रस्ट को अपने लोगों को दे दी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है कि मुझे भी खुशी हो रही है ये बात सुनकर कि आपने इतनी सारी सेवाएं शुरू की और आप अभी भी उस पर खड़े होकर एक तत्पर होकर सेवाएं करें। अंत में एक प्रश्न, नहीं खुशी मुझे इस चीज की है कि मैंने मतलब जैसे बेटों वगैरह को हम पेंशन दे रहे हैं अपने पास से, जब तक सरकार की लगती तो हम हट जाते हैं, एक बड़ी बात है। कई बेटियों की हम शादियों के लिए पैसा दे रहे हैं, कई पढ़ने को पैसा दे रहे हैं, जहाँ हम जरूरत कर रहे हैं, इसीलिए क्षेत्र जो हमारा हमारे लोग काफी लोग जो है इससे बहुत खुश है, बहुत खुश है। और सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमें कोई कमी नहीं छोड़ी। और देखो एक ऐसे मुख्यमंत्री है, जैसे आए गरीब परिवार से उठे, गरीब भी देखी नहीं है, सही भी है, सहन करना और देखना अलग बात है। एक किसान, एक कारपेंटर के मिस्त्री के बेटे, एक मिस्त्री के बेटे आज हिमाचल के मुख्यमंत्री, हमें गर्व है। उन्होंने आते जैसे उन्होंने पहली कैबिनेट, मैंने देखता रहा पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहला डिसीजन लिया था, 80 साल में पेंशन लगती, आज 80 साल जीतता कौन है, 5% लोग जीतते हैं, 80 से 70 की, अब 70 से 60, 60 साल में सबको पेंशन लग रही है। दूसरा, आज बिजली बिल जो 125 यूनिट फ्री की, बड़ी बात है, ऐसा कि हिमाचल में काफी प्रोडक्शन है बिजली का, काफी यहाँ पर है, लेकिन आज तक तो नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। एंड मैं कभी कभी देखता हूँ। तीसरा उनका मैंने देखा, आज महिलाओं के लिए बस टिकट भी अदा कर दिया। देखो चौथा, हिम केयर, जैसे आज एक गरीब 5 लाख का इलाज करवा सकता है, आज हिमाचल एक ऐसी स्टेट है, हमें गर्व होता है कि चूल्हा मुफ्त फ्री हुआ है, चूल्हा फ्री हुआ तो जयराम ठाकुर ने घर घर में गैस पहुंचाई,
गर्व है हमें। बिल्कुल, बहुत आपने, मैंने तो थोड़ी बातें जानी हुई थी, आपने पूरी बातें हमें सच्चाई सुनाई, और मुझे उम्मीद है कि हमारी जनता भी इस बात को सुनेगी और प्रकाश सिंह राणा जी की आगे बढ़कर और उनकी मदद करेगी जनता से, ये उम्मीद मैं रखती हूँ। जैसे कि आजकल आप आध्यात्मिक एक रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे आपने ब्रह्मा कुमारी जी का जिक्र किया, आप आध्यात्मिक रास्ते पे चलकर और अपने कार्य को साथ में लेकर दोनों को बैलेंस बनाते हैं, तो राजयोग मेडिटेशन में आपने अपने अंदर क्या फर्क पाया? ब्रह्मा कुमारी से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिला। देखो, हमने अपना जीवन, हम जीरो से उठे आदमी, दुनिया घूम के आए, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ हम ना गए। कभी कभी कोई साउथ अफ्रीका के देश हैं जहाँ पासपोर्ट अलाउ नहीं किया। जब आदमी दुनिया घूमने लगता है हर देश में, तो नए नए सीखने को मिलता है। अब जो बाकी का मेरा जीवन है कि मैं सोचता हूँ कि अपने लिए हमने मजबूत हुए, और अब बाकी का जीवन अपनी जनता को देंगे, अपने क्षेत्र को देंगे। और बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब एक तो मैंने अपने जीवन में, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि कोई हमने गलत रास्ता आज तक नहीं पकड़ा। नशे की बात करूँ, नशा तो कहाँ, हमने पूरी दुनिया घूमने वाले इंसान, हमने आज तक कोई बीड़ी तक नहीं हमने टच की है। तो जैसे आदमी सही रास्ते से चलता है तो उसके विचारधारा भी वही है, और इसीलिए तो मैं वहाँ आपके वहाँ माउंट आबू में गया। ब्रह्म कुमारी का नाम हमने सुना था और मैं गया। जब पर्सनल कोई चीज़ को देखते हैं, बल्कि मेरे पास समय नहीं था, फिर मैंने समय निकाला और मैं दूसरी बार मैं कोशिश करूँगा कि हम परिवार के साथ उधर आएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी जाएं। अब देखते हैं, क्योंकि बेटा भी हमारा बड़ा बड़ा इंटरेस्टेड था कि मैंने भी जाना है, वो चाहता है कि मैंने भी जाना है उधर, और मैंने बेटे को प्रॉमिस किया कि आपको ले चलेंगे हम उधर। तो मैं देखता हूँ, जैसे हमें बहुत कुछ सीखने को, और मैं तो धन्यवाद करता हूँ इस संस्था का, इन्होंने कई लोगों का जीवन बदल कर दिया। और यही है कि पैसा तो अपने लिए सब कमाते हैं, कौन नहीं कमाता है, लेकिन इस तरह की संस्था बहुत कम है जो दूसरों को जीवन को सुधार दे। जीवन किसी को नया जीवन देना जो पैदा करने से ज्यादा महत्व रखता है। किसी का जीवन बदलना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस संस्था जो काम कर रही है, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह काम करती रहे। और इस तरह की अगर संस्था नहीं होती तो आज तो पता नहीं क्या हाल होता है इन गांव का, ऐसे इन हमारे देश का। लेकिन बहुत बड़ा कंट्रोल है, बहुत बड़ा कंट्रोल है। जब मन शांत होता है तो सारे काम शांत होते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, इस संस्था का, कि आप इसी तरह लोगों के जीवन में इसी तरह जुड़े रहे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। जी, धन्यवाद। तो मैं बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कईयों ने अपना जीवन को त्याग करके आप लोगों को, जो भटक चुके हैं उनको रास्ते में ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है मनुष्य जीवन की, बहुत बड़ी तपस्या। जी, आप इतना सारा मैसेज आपने आज हमें दिया, समाज सेवा का और एक आध्यात्मिक ज्ञान का, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप इसी तरह से आगे भी हमारे कार्यक्रम में आते रहें, हम आपके पास आते रहेंगे, आपका इसी तरह से अपने प्रश्न लाते रहेंगे, आप उनका हल देते रहेंगे, और साथ ही साथ जो हल दे रहे हैं उसमें पूरी रीति से आप आगे बढ़ें। मेरा पूरी बहनों को जो वहाँ पर है, या पूरे भाइयों को जिन्होंने अपना जीवन त्याग कर लोगों की सेवा, उन सबको मेरा प्रणाम बोलना, आप नमस्कार बोलना। और मैं एक बार माउंट आबू गया, और मैं दोबारा आने की मैं वहाँ कोशिश करूँगा, वादा तो नहीं करता हूँ, कोशिश जरूर करूँगा। इधर बहुत शांति मिलती है एक, और मेरा वह भी होगा, भरपूर सहयोग रहेगा संस्था के लिए, इतना कहना चाहता हूँ। बाकी एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ कि हमारा जैसे भाई बहन का रिश्ता ही जुड़ा रहे सबके साथ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मित्रों, आज हमने जानने की कोशिश की कि सफलता में, हमारे जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करती है, ये सबसे बड़ी सीख आज हमें देखने को मिली, सुनने को मिली, जानने को मिली। और स्पेशल एक हमारे सामने उदाहरण है प्रकाश सिंह राणा जी। और लास्ट में एक बात और बोल देना चाहता हूँ, क्षेत्रवासियों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी मेरी मातृशक्ति है, मेरे क्षेत्रवासी है मेरे जूनियर के, मैं इनके लिए बड़ा कुछ सोच कर आया हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं, आगे चलकर हम इनके लिए बड़ा कुछ कर जाएंगे। जब मैं तन मन से, मेरी एक ही सोच है कि मैं इस क्षेत्र को नंबर 1 बनाऊं, और मैं इसके रात दिन काम कर रहा हूँ, सबके आगे मैं झुक रहा हूँ,
ताकि मैं इस क्षेत्र को आगे उठाऊं। बाकी राजनीति में कोई धन कमाने आता है, कोई नाम कमाने आता है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं इस क्षेत्र को उठाने आया हूँ, मैं इनकी सेवा करने आया हूँ और मैं दिल से इनकी सेवा कर रहा हूँ। आपके क्षेत्रवासी बहुत बहुत अच्छा आपका एक मैसेज गया, जैसे इनका एक स्लोगन है कि नेता नहीं हूँ मैं, समाज सेवक हूँ, राजनीति नहीं चाहिए मुझे, विकास एक इस देश में चाहिए, वो इनके ऊपर पूरा अमल होता है। अब चाहते हैं इजाजत, अगली कड़ी में फिर से एक नए मेहमान के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।